नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्टोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको एलडीसी वैकेंसी से संबंधित न्यूज़ देने वाले हैं। राजस्थान में जो भी आगामी एलडीसी वैकेंसीज होगी उनका एग्ज़ाम अब आरपीएससी ना लेकर उन सभी का एग्ज़ाम आरएसएम एसएसबी के द्वारा लिया जाएगा। राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय चयन बोर्ड के माध्यम से उन सभी का एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि जो 3600 पे ग्रेड की तक की जो वैकेंसीज रहेगी 3600 पे ग्रेड तक की जो वैकेंसीज रहेगी उनका एग्ज़ाम अब आरपीएससी के माध्यम से ना कराकर अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उसी से संबंधित मुझे न्यूज़ मिली है, तो सबसे पहले आपको न्यूज़ की जानकारी देते हैं। और इसी के साथ जो राजस्थान में कनिष्ठ सहायक की जो आगामी भर्ती होने वाली 10,290 पदों के लिए उसका एग्ज़ाम भी अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से ही लिया जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी भी 3600 पे ग्रेड से कम की रहेगी, तो उसका एग्ज़ाम भी अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से लिया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अधिकृत हैं। एलडीसी भर्ती परीक्षा पे ग्रेड 3600 में आती है, आयोग के दायरे से बाहर हुई। अब एलडीसी पदों पर आयोग नहीं करेगा भर्ती। प्रदेश में आरपीएससी समेत विभिन्न विभागों में एलडीसी पदों पर भविष्य में होने वाली भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी नहीं करेगा। यदि आयोग को भी एलडीसी लेने होंगे तो राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से ही लिए जाएंगे, जो कि इसका ऑफिस राजस्थान के जयपुर में दुर्गापुरा में स्थित है। आयोग द्वारा एलडीसी भर्ती परीक्षा 2013 अंतिम परीक्षा है। इसकी अंतिम प्रक्रिया नियुक्ति अनुशंसा भेजने की कवायद शुरू हो गई है। अब आयोग यह परीक्षा नहीं कराएगा। कारण, आयोग को राज्य सरकार ने पे ग्रेड 4200 व इससे अधिक पे ग्रेड की भर्तियों के लिए ही अधिकृत कर रखा है, और इससे नीचे की पे ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया आयोग नहीं करेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर को अधिकृत कर रखा है। एलडीसी भर्ती परीक्षा पे ग्रेड 3600 में आती है, इसलिए यह भर्ती अब आयोग के दायरे से बाहर हो गई है। और वही न्यूज़ हमने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। पूर्व में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने किया था इनकार। जब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का गठन हुआ था उस समय आयोग द्वारा ली गई एलडीसी 2013 परीक्षा निरस्त हो गई थी। आयोग ने इस भर्ती को बोर्ड से कराने के लिए पत्र भेजा था, लेकिन बोर्ड ने यह कहकर आयोग का प्रस्ताव रद्द किया था कि 2013 की भर्ती प्रक्रिया आयोग ने ही शुरू की थी, आयोग ही इस प्रक्रिया को पूरी कराए। जैसे तैसे आयोग ने अब इस परीक्षा की नया को पार कर लिया है। अब आयोग इस ग्रेड की भर्ती परीक्षा भविष्य में नहीं कराएगा, और आगामी जो भी एलडीसी की भर्तियां रहेगी वो आरएसएम एसएसबी के माध्यम से कराई जाएगी। और राजस्थान में बहुत बड़ी वैकेंसी कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी 10,290 पदों के लिए जो आने वाली हैं उसका एग्ज़ाम भी आरएसएम एसएसबी के माध्यम से ही करवाया जाएगा। और इसी के साथ 7,571 पदों पर आरपीएससी ने ये अंतिम भर्ती की थी। और इसी के साथ हम आपको इसमें एक न्यूज़ और देना चाहते हैं। आरपीएससी व सचिवालय को एलडीसी मिलेंगे। आरपीएससी एलडीसी 2013 वैकेंसी में चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति की अनुशंसा भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। पहले चरण में आयोग को 24 और शासन सचिवालय को 116 एलडीसी शीघ्र ही मिलेंगे। आयोग द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों शासन सचिवालयों और आरपीएससी में एलडीसी के 7,571 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, और कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद अब आयोग ने एलडीसी भर्ती परीक्षा 2013 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनुशंसा विभागों में भेजना शुरू कर दिया है। तो आरपीएससी और सचिवालय में जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है उन्हें ही सबसे पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी। और ऐसे ही अपडेट्स की जानकारी आप रेगुलर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।